अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निसार हूं और आप देख रहे हैं कार टिप्स टीवी। अच्छा दोस्तों, ये गाड़ी में एक चीज़ थर्मोस्टेट वाल्व होता है। थर्मोस्टेट वाल्व का काम होता है कि इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, यानी कि 100 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान, यानी कि इस तरह से इसका काम है। अगर 100 पे जाता है तो ये खुल जाता है, इसका काम। अगर ये ख़राब हो तो क्या मसला होता है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये गाड़ी है जी, इन्होंने इस गाड़ी में इंजन डलवाया है। इंजन डालने के बाद गाड़ी कुछ अर्सा चली लेकिन गाड़ी इनकी हीट अप होती रही। इन्होंने रेडिएटर वाले के पास गए, रेडिएटर चेंज किया, ये टेंकी भी लीक थी, ये चेंज दो मरतबा गाड़ी ने ये टेंकी फटा दी यहाँ से गर्म होने के बाद, चढ़ाई में चढ़ रही थी। तो किसी को ये ख्याल तक नहीं आया कि इसका थर्मोस्टेट वाल्व चेक कर लें। अभी जब ये दरिया मेरे पास आए तो इनके गाड़ी का मैंने थर्मोस्टेट वाल्व खोल के चेक किया, और थर्मोस्टेट वाल्व ख़राब है। जब आपकी गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल्व ख़राब हो तो गाड़ी से निकाल देना चाहिए उस वक्त। अगर आपके पास मौजूद नहीं है, कोई मसला नहीं है, तब तक आप निकाल सकते हैं जब तक अवेलेबल नहीं है। वैसे निकाल के फेंक नहीं देना चाहिए मुकम्मल, लेकिन डालना चाहिए वापस। तो इसमें थर्मोस्टेट वाल्व की ये वजह थी, आप जब भी इस तरह का मसला हो, गाड़ी हीट अप होने लग जाए, तो सबसे पहले अगर आपकी गाड़ी के थर्मोस्टेट वाल्व, थर्मोस्टेट वाल्व को चेक करना चाहिए। अगर थर्मोस्टेट वाल्व नहीं ख़राब होगा तो गाड़ी में बहुत सारे मसले होंगे। गाड़ी का हेड ख़राब हो सकता है, इंजन सीज हो सकता है, रेडिएटर फट जाता है, होस पाइप फट जाते हैं। तो ये सबसे आसान काम, अभी मैं यहाँ पर दिखाएँ इसको, देखें ये बिल्कुल अंदर से यहाँ से ये टूटा हुआ है, ये देखें यहाँ से ये टूटा हुआ है। तो इसमें अंदर ये फॉल्ट था। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये फॉल्ट था, ये फॉल्ट इनको पता नहीं चला, जिस वजह से इनकी गाड़ी का रेडिएटर भी फट गया और रेडिएटर वालों ने रेडिएटर भी चेंज कर दिया। अब जब जो लोग इंजन न्यू डालते हैं उनको चाहिए कि इंजन जब भी न्यू डालें या कोई इंजन चेंज करें गाड़ी का, तो थर्मोस्टेट वाल्व लाजमी चेक किया करें। थर्मोस्टेट वाल्व अगर नहीं चेक करते आप, तो इस वजह से अगले का बहुत सारा नुकसान हो सकता है, पूरा इंजन फारिग हो सकता है उसका। तो प्लीज़ ये लाजमी किया करें, ये मेरे मैकेनिक लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये लाजमी ये चीज़ चेक किया करें। और अगर आपके पास गाड़ी आती है तो ये फॉल्ट आपको पता लगाने के लिए ये मैं बता रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, कि अगर आपकी गाड़ी में कोई इस तरह का मसला हो आप मैकेनिक को जाके बताएं। सबसे पहले गाड़ी का ये थर्मोस्टेट वाल्व है ये चेक करें। और इसको चेक करने का तरीका क्या है, ये वीडियो वैसे चैनल पर पड़ी हुई, आप देख सकते हैं पानी उबाल के उसमें चेक किया जाता है। तो अगर ये ज़्यादा लेट खुल रहा हो तो ये ख़राब होता है। अच्छा, मेरी गाड़ी वाले जो मालकान होते हैं उनसे भी गुजारिश है, और जो मैकेनिक हैं उनसे भी गुजारिश है कि जब भी आप इंजन चेंज करें या इस तरह का मसला आए, वो आप तसल्ली से लाजमी चेक करवाएं। इन्होंने रेडिएटर के रेडिएटर न्यू लगाया था, जेन्युइन रेडिएटर की जो टेंकी है वो फट गई इस वाल की वजह से। तो मेरी गुजारिश है कि एहतियात किया करें, और मैकेनिक हज़रात से भी गुजारिश है कि एहतियात किया करें। जब भी इस तरह का मसला आए तसल्ली से गाड़ी को चेक करें और ये चीज़ें लाजमी चेक करें। ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कस्टमर का काफ़ी नुकसान हो जाता है, जिस वजह से मैकेनिकों से अक्सर, ख़ास करके रावलपिंडी वाले जो मैकेनिक हज़रात हैं उनसे लोगों का एतमाद उठ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि पिंडी वाले मैकेनिक अच्छा काम नहीं करते। बाज सब का मैं नहीं कह रहा, रिक्वेस्ट है कि लोगों को इस तरह से ना किया करें, कोशिश किया करें कि कस्टमर को अच्छा काम करके दें ताकि आपका नाम याद रखें लोग, इस तरह से काम किया करें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी करें। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत हूँ।